हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, जो लोग थोड़ा बहुत भी पैकेजिंग मशीन्स के बारे में जानते हैं उनको पता है कि एफएफएस क्या होता है, न्यूमेटिक क्या होता है, फुल न्यूमेटिक क्या होता है, अलग अलग। देखिए, होता और होती में थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज़ मत हुआ करिए, क्योंकि थोड़ा पूर्वांचल के हैं तो ट्रेन आता है, जबकि ट्रेन आती है तो इतना आप लोग मैनेज किया करिए, ठीक है? आइए अब आगे बात करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आप कमेंट कर देते हैं आके, अरे भैया पॉजिटिव चीज़ ले लो, नेगेटिव को हटा दो। तुम्हारे अंदर 2.5 किलो कचरा भरा रहता है हर वक्त, उसको तो साफ़ कर नहीं पाते आप। तो अभी इन चीज़ों पर ध्यान मत दो, जिन चीज़ों से ज़िंदगी बदल सकती है उस पर ध्यान दीजिए आप। आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप जितनी मशीन्स देख रहे हैं एक लाइन से, ये हाफ न्यूमेटिक, हाफ न्यूमेटिक, फुल न्यूमेटिक, फुल न्यूमेटिक, फुल न्यूमेटिक, हाफ न्यूमेटिक, हाफ न्यूमेटिक, हाफ न्यूमेटिक, ये बल्क में जो मशीन्स हम बेचते हैं पूरे इंडिया की गारंटी है। वो भले ही बहुत छापते होंगे, बहुत पैसे कमाते होंगे, चलवाते होंगे, नहीं चलवाते होंगे, लेकिन हमने जो पैकेजिंग मशीन्स में जो रिवोल्यूशन एक लाया है, ये रिवोल्यूशन कोई भी नहीं ला सकता, क्योंकि 5,000-10,000 पे कोई मशीन्स बेच नहीं सकता। बल्कि कितने का कॉस्टिंग आ रहा होगा न्यू इसमें एफएफएस में, हमने निकाला ही नहीं आज तक, क्योंकि अगर निकालने बैठेंगे पता चले 60,000 का आ रहा है, 55 में बेच रहे हैं। तो हम जो दूसरे प्लांट्स वगैरह देते हैं वहाँ से मैनेज करते हैं, सिर्फ खर्चा चलना चाहिए, हमें नहीं बनना है एलन मस्क, ठीक है? हम इंडिया में पैदा हुए हैं, यहीं मर जाएंगे, ना तो हम मंगल ग्रह तक पहुँचने वाले हैं और ना ही आप लोगों को पहुँचाने वाले हैं। हम आपको पहुँचा सकते हैं एक ऐसे बिजनेस की तरफ जिससे आप अपनी और अपने फैमिली की दशा बदल सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो। आइए अब मेन मुद्दे पे आते हैं। एफएफएस और न्यूमेटिक में अंतर ये होता है कि एफएफएस मशीन्स जो होती हैं उनकी सीलिंग, जो सीलर होता है वो ऐसा होता है, देखो आप, ठीक है? ये मैकेनिकल सीलर होता है, इसमें दाने दाने आते हैं, आप देखो इसमें सीलिंग में, ये देखो आप, ये दाने दाने जो आप देख रहे हो ये आता है इसके अंदर। लेकिन जो न्यूमेटिक की क्वालिटी होती है वो ये होती है, लाइन वाला इंप्रेशन। और ये जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो यही मशीन्स यूज़ करती हैं। तो आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को उन बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ खड़ा करना चाहता हूँ। दिमाग के अंदर जो बत्ती है ना आप लोगों के, जो कभी जलती नहीं है, आप लोगों को लगता है कि वो बहुत बड़ा है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। भगवान हो या फिर गवर्नमेंट हो, उसके पास हर कोई समान है। कैसे है, आइए एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप जो रजिस्ट्रेशन कराते हो फूड लाइसेंस का, वो उसी साइट पे जाके करते हो जिस साइट पे ये बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। आप जिस दुकानों पर लटकोगे जाके, उन्हीं बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ लटकोगे जो बहुत बड़ा, जिनकी सोचते हो आपके वो बहुत बड़ा है। ये क्यों बता रहा हूँ मैंने 2012 में अपना मैगजीन निकाला था, बवाल पत्रिका, आरएनआई से रजिस्टर्ड कराया था, जहाँ पे बड़े बड़े लोग, टाइम्स ऑफ इंडिया के और लोग खड़े रहते थे, वहाँ जाके हम लोग भी अपना एनुअल सबमिशन कराते थे, क्योंकि आपको हर एक कॉपी पूरे साल का इकट्ठा करके जाके आरएनआई में जमा करना होता है पूरे डेटा के साथ। तो ये सोच बदल दीजिए आप लोग। हम लोग उस टाइम, जिस टाइम वो कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी थी, तो बड़ा छोटा कोई नहीं होता, सिर्फ सोच से होता है। अपने सोच को बदलिए आप लोग कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ओहदा बड़ा होता है, इंसान वही होता है। आपको कोई लकब मिल गया कि आप बहुत बड़े आईएएस बन गए, आप बहुत बड़े नेता बन गए, इंसान वही है। सुबह सुबह वो भी पॉटी करने जाता है और वो भी दोपहर में खाना खाता है और आप भी खाते हो। सोच को बदल दीजिए आप लोग। तो इन मशीनों के साथ मैं आपको उन्हीं बड़ी कंपनीज के साथ टक्कर देने के लिए इनका रेट डाउन करता हूँ, ताकि आप जाओ तो एक ब्रांड बन के जाओ, कोई आप पे उंगली नहीं उठाए कि ये पैकेट कैसा है। उनसे पैकेट प्लस ही होगा, इस चीज़ की गारंटी दूंगा, क्योंकि बल्क में निकालते हैं तो उनको पैकेट नहीं देखते कि रिंकल आ रहा है, आ रहा वो आ रहा है। लेकिन आप अभी स्टार्ट करते हो तो ये भी देखते हो, वो भी देखते हो, सब कुछ देखो आप, आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन देंगे। लेकिन बस जैसा कि हमेशा कहता हूँ, पेशेंस होना चाहिए। पर हज़ारों लोग आते हैं और फिर इनकी मशीन्स भेजना बनाना, ये कोई खेल नहीं है कि ये तो हमारे जैसा है जो इतने बल्क क्वांटिटी में भी टाइम पर डिलीवरी दे रहे हैं और आप लोगों को सर्विस भी प्रॉपर दे रहे हैं, क्योंकि धोखेबाज लोगों से बचना है आपको भी हमें भी। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा कि कौन क्या है, लेकिन जब वो अपना असली चेहरा दिखाता है तो आपके और हमारे समझ में आ जाता है। तो आप लोगों को यही काम करना है, आराम से पूरे अच्छे तरीके से एनालाइज करिए क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर काम को शुरू करिए, तो मज़ा आएगा। क्योंकि जब तक आप लोग सजा नहीं, अभी आप लोगों को लगता है दिल्ली का चीफ मिनिस्टर केजरीवाल है, फिर ये है वो है, इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है बताओ,
लात खाए, घूसे खाए, इधर करे उधर किए, तो आप हजारों लोगों को जान रहे हो, तो आप लोग इतनी आसानी से कामयाब हो जाओगे? एग्जाम्पल दे दे के समझाता हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ ना ही कोई सोशल हूँ। सोशल इसलिए हूँ क्योंकि मेरे ज़रिए कुछ लोगों का फ़ायदा हो रहा है, और वो भी वो उन लोगों का जो करना चाहते हैं। तो आप लोग अपने जहन में ये भर लीजिए कि हम किसी से कम नहीं, किसी के पीछे भागना नहीं है, कोई भी सेलिब्रिटी के पीछे, आप खुद सेलिब्रिटी हो ठीक है, किसी के पीछे नहीं भागना है, समय बर्बाद नहीं करना है यार। उस मेहनत करके जब वो पा लेता है, उसके पीछे पीछे भागते हो आप लोग भीड़ की तरफ, क्या है ये भागते हो, जो क्या मिलेगा वहां से भाग के? कुछ दे देगा वो आपको? कुछ भी नहीं देने वाला। हजारों की भीड़, लाखों की भीड़, ये सारे हजारों भीड़ बन के ही मर जाते हैं भीड़ बकरी की तरह, ना इनकी कोई पहचान बन पाएगी, क्योंकि सोच बदलना पड़ता है। जो भागने में और उनके ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ लेने में समय बर्बाद करते हो, वो अपने लिए मेहनत करो, ना किसी को ऑटोग्राफ देना है ना किसी का लेना है ठीक है। सेलिब्रिटी कभी समझना मत आप लोगों अपने आप को, अगर कभी कुछ बन जाओ, क्योंकि आम जिंदगी बहुत ज़बरदस्त होती है, सुकून से मर सकते हो आप लोग। नहीं तो बाहर अगर कुछ चलेगा ना आप, तो वहाँ ज़िंदगी सुकून से कट नहीं सकती आप लोगों की। तो इसीलिए आराम से कोई भी काम करिए, हड़बड़ी के बिना, इन मशीनों के साथ जाइए। बहुत सस्ती कर दी है, 75,000 रुपये की न्यूमेटिक पूरी दुनिया में कौन देगा? अलग अलग अगर आप जोड़ोगे ना, ये सिलेंडर देखो आप, सिलेंडर है, ये सिलर है, ये PLC पैनल लगा हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर क्लच ब्रेक लगा हुआ है, इसके अंदर मोटर लगी हुई है, इसके अंदर इतने सारे, ये देखो नीचे ये FRL लगा हुआ है, इतने सारे इसके अंदर ये लगे हुए हैं, ये एक एक चार अलग अलग जोड़ोगे तो पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं ये भाई। हम वो कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा है। हमें इंडिया के अंदर जो अपना काम शुरू करना चाहता है, चाहे उसके पास 1,000 रुपये भी है, हमसे जो होगा करेंगे। लेकिन आपको हमारे बारे में जो कह रहे हैं ना, फ़ोन नहीं उठता, ये नहीं उठता, वो नहीं उठता, आके एक दिन बैठ जाओ, पता चल जाएगा फ़ोन नहीं उठता कि क्या होता है। आप लोग समय दीजिए, सब करेंगे। तो इन मशीनों के साथ एक अच्छे ब्रांड के रूप में मार्केट में जा सकते हैं आप लोग, बहुत सस्ती है, रेट डिस्क्रिप्शन में ले लीजिए आप लोग, मशीन सारी देख लीजिए, बल्क मशीन बना रहे हैं। तो इन मशीनों के साथ बहुत आसानी से आप लोग अपने ब्रांड को एक अच्छा लुक दे सकते हो। अगर ब्रांड बनना चाहते हो, एक दिन का खेल नहीं है ब्रांड बनना, उसके लिए पहले आप लोगों को मार्केट में जाके धक्के खाने पड़ेंगे, खूब दबा के। लोग भगाएंगे आपको, चार लोग खड़े रहेंगे वहाँ, ला के जाके भैया ये हमारा मसाला है, भाग भाग, नहीं चाहिए मसाला। तो आपको इससे ये नहीं होना कि ये भगा रहा है, ये तो हमारा बिकेगा नहीं, आपको दोबारा जाना है उसके पास। चार बार जाओगे, 10 बार जाओगे, कभी तो खरीदेगा, और नहीं खरीदेगा तो दूसरा दुकान है, ये तीसरा दुकान है। ये अपने दिमाग में फिट करिए आप, एक दिन का खेल नहीं है, आराम से हर चीज़ आपको अवेलेबल हम कराएंगे, सारा फॉर्मूला दिलाएंगे, बस आप लोगों को काम करना, क्योंकि आप लोग हो तो हम हैं भाई। आप लोग मशीन खरीद रहे हो, ये कर रहे हो, तो ही तो फैक्ट्री चल रही है ना, ये तो आप लोगों से हम है। लेकिन हमारा पेट छोटा है, ये पेट मोटा नहीं है, ये इसमें जैकेट में लग रहा है, क्योंकि हमारा पेट छोटा है, इसलिए हमारे पास बहुत सारे लोगों का लोटा है, लोटा का मतलब लोग हैं। ये थोड़ा राइम्स बनाता हूँ मैं, तो आप लोग इसको उल्टा सीधा मत लिया करिए। तो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी को अगर कामयाब करना है, तो इन मशीनों के साथ जाइए। कि मशीन मशीन क्यों करता हूँ, कि मशीन आसान करती है ज़िंदगी को। एक कैमरे से शूट कर रहा हूँ मैं, आके आप लोगों के सामने भौंकता, एक एक लोगों के सामने तो समझ में आता, हर जगह मशीन है। तो मशीन मशीन इसलिए करते हैं क्योंकि इन मशीन के बिना लड़ी नहीं बना सकते आप, ब्रांड नहीं बन सकते। मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।